कल मास्टर शेफ इंडिया में होम कुक्स पहुंचे थाईलैंड। आज का चैलेंज होगा एक टीम चैलेंज। शादी वाली बात है। मैं तो अनिर्वाण, उन्होंने मिलकर एक ऐसी डिश बनाई है जो थाई फूड की ही एक रीइन्वेंशन है। हर एलिमेंट इज परफेक्ट। पहले तीन टास्क में निर्वाण और समांथा हुए सेफ। बचे हुए छह होम कुक्स को एलिमिनेशन से बचने के लिए करना होगा एक दूसरे का सामना, जिसमें उन्हें बनानी होगी एक खास थाई इंग्रेडिएंट से बनी हुई डिश। आज इतने ज्यादा स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं वहाँ पर, थाई इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप एक नीट कंफर्टिंग डिश बना सकते हैं जो मसल के साथ जाएगी भी, मसल और कोकोनट में। इट्स अ लवली कॉम्बिनेशन। I want you to try three ways, Kunal. I think it's amazing because आप बहुत ज़्यादा अपनी versatility दिखा सकेंगे सोच में, cooking में, और plating में। I have my doubts about. I'm doubtful. I trust you. Thank you. I do. मुझे elimination में तो नहीं जाना है और मैं नहीं जाऊँगा। But I need to make the best dish. आज फ्राई और डिजर्ट की बात है। हाँ जी अनिता जी। Yes sir. क्या चल रहा है, क्या हो चुका है, क्या होने अभी? एक ब्रॉथ बनाया है जिसमें मैंने वो मसल्स का इस्तेमाल करा है, फ्लेवर्ड ब्रॉथ, और मैं चाहती हूँ कि इसका हीरो सिर्फ चाइनीज स्केल हो, इसलिए और कोई सब्जी या कुछ नहीं डालूंगी। क्लियर ब्रॉथ बना के मैंने स्ट्रेन कर लिया है। याद रहे जब आप इस पत्ते को गर्म पानी में डालें तो चंद सेकंड के लिए डालना, उसके बाद इसे ठंडे पानी में डालकर इसे कम्प्लीटली ठंडा करना है ताकि इसका हरा रंग बरकरार रहे। ये था आपका आज का अंतर। सेकंड जो मेरा एलिमेंट है वो एक टोफू केक है, तो आई डिसाइडेड कि मैं एक मार्बल केक बनाऊंगी जिसमें कहीं कहीं बेजल का फ्लेवर होगा और कहीं कहीं टोफू का फ्लेवर होगा। सुनने में ये थाई करी और राइस बहुत सिंपल लगता है, बट मैं जजेस को एक अलग रूप में इसको प्रेजेंट करूंगा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो मैं चीज़ बनाऊँ उनको पसंद आए और मैं एलिमिनेशन से सेफ हो जाऊँगा। होम कुक्स 45 मिनट हो चुके हैं, सिर्फ 15 मिनट बचे आपके पास। कुछ प्लान के हिसाब से जा रहा है फिलहाल। मैंने दही में थोड़ी सी शुगर ऐड की और अपने छेने को ऐड किया और उसके बाद अपनी सॉफ्ट क्रेप में इस मिक्सचर को लगाया और अपने लोगन सूप को लगाकर उसे रोल किया और इस सॉफ्ट क्रेप को मैंने अपनी हार्ड क्रेप के अंदर फिल कर लिया। मैंने केक निकाला एंड उसे अनमोल्ड किया। और आखिरी 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. That's it. Please step back from the counters. Good job. अब वक्त है आपकी बनाई डिशेस को टेस्ट करने का। कीर्ति, अपनी प्लेट लेकर सामने आइए। मेरी डिश की अगर बात करें तो मुझे पता है कि वो एक टेस्टी डिश है, सुंदर डिश है, पर क्या वो डिश इस लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन के लिए कॉम्प्लिकेटेड इनफ है? आई डोंट नो। कीर्ति, आज आपका कोर इंग्रेडिएंट था लोगन फ्रूट, उसका इस्तेमाल करके आपने आज कौन सी डिश बनाई? शेफ, मैंने एक 2 केस क्रेप बनाई है जिसके अंदर मैंने योगर्ट एंड छेने की फिलिंग की है विद लोगन फ्रूट, और बाहर में मैंने लोगन फ्रूट की जेली बनाई थी जो अब मेल्ट हो चुकी है, और मैंने बेजल एंड लोगन जूस का एक जूस सर्व किया है। प्रेजेंटेशन की बात करें तो काफी खूबसूरत है, लेकिन टेस्ट इज द गेम। कीर्ति, जो आज आपके पास कोर इंग्रेडिएंट था लोगन फ्रूट, वो बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत सा एक फ्रूट है। उसको आपने एक अच्छे क्रेप के अंदर डाला है। क्रेप भी दो हैं, जो बाहर का क्रेप है बहुत हार्ड है, बेसिल का फ्लेवर अच्छा है
लेकिन बेसिक का फ्लेवर बाहर ही है, लोगों के साथ आपने कुछ मिक्स एंड मैच नहीं किया। अमूल पार्लर में आज काफी ऐसी सामग्री थी जो इस डिश को और ऊपर उभार सकती थी। इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि आपका एफर्ट 50-50 है। फ्लेवर्स अच्छे हैं, टेक्सचर्स प्रॉब्लम है। नोबल फ्रूट एक बहुत अच्छी फ्रूट है जिसको मैं बहुत बेटर वेज में यूज कर सकती थी और मैंने नहीं किया। आई थिंक कि आज मेरी डिश बॉटम 3 डिशेस में से एक हो सकती है। जतिन अपनी प्लेट लेके सामने आइए प्लीज। मैंने जो डिश बनाई है वो है बैम्बू शूट ट्राई करी, साथ में काफिर लाइम लीव से मैंने एरोमेटिक जैस्मिन राइस बनाया है, मशरूम मैंने टॉस किया फिश सॉस के साथ, और जो टोफू है वो फ्राई करके मैंने करी में डाला है। बैम्बू शूट्स को जैसे आपने यूज़ किया एज अ फॉर्म ऑफ करी थोड़ा सा उबाल के, पर मैं यही आपको कहता अगर आप प्यूरे करते आपको उसको अच्छी तरह से छानना जरूर चाहिए था। क्या हुआ कि जो सॉस है वो थोड़ी सी बच गई, अब फिर भी बहुत फैबुलस है। एक वर्ड यूज करते हैं कुकिंग में सीमलेसनेस, कि आप खा रहे हैं आपको एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें थोड़ी एफर्ट की जरूरत पड़ी है। मुझे बुरा लग रहा है कि जिस चीज़ में मैं अच्छा हूँ वही चीज़ आज नहीं अच्छी बनी और जजेस को भी काफ़ी भूख लगी। दिनेश अपनी डिश लेकर आइए। मैंने इसमें 3 ways मसल्स बनाए हैं। सबसे पहला है जो मैंने केल अनिका से लिया है उसका एक स्टर फ्राई बनाया है, इसके साथ में एक और पैन फ्राइड मसल है जिसके ऊपर एक रेलिश मैंने रखा है, और उसके साथ में एक कोकोनट इन्फ्यूजन वाला मसल है। दिनेश आज जो डिश आपने बनाई है उसकी जो प्रेजेंटेशन है बहुत ऑर्डिनरी है, इम्पैक्टफुल नहीं है। अब देखते हैं आपकी आज की ये डिश जो कि एक सेवरी है आपको सेव करती है कि नहीं। दिनेश आपने जो डिश बनाई है मसल्स के साथ इट्स बर्स्टिंग विद फ्लेवर्स, एक अच्छा प्ले है जहां पर कोकोनट मिल्क के साथ एक ट्रेडिशनल थाई स्टाइल है, वहीं पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेटिव, थोड़ा तीखा, थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा मसल। आई थिंक आई विल बी राइट इफ आई से कि ये आपकी अब तक की इस किचन में बेस्ट सेवरी डिश है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बस यही सुनना था। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। अपनी डिश लेकर आइए। केरल का जो डोलमा बनाया है जो ग्रीक डिश है जो अक्सर ग्रेप के लीव से बनती है, उसकी जगह मैंने आज केल का इस्तेमाल करा है और अंदर थाई फ्लेवर्ड फ्राइड राइस को रोल किया है। और ये जो डिप बनाई है जिसमें लेमन ग्रास है, थोड़ी हल्दी है, थोड़ी शक्कर है, सो टू बैलेंस आउट द केल्स मस्टर्ड फ्लेवर। अगर मैं इस डिश की प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो बहुत वीक है। मैं कभी भी किसी रेस्टोरेंट में अगर देखूँ तो शायद मैं खाना नहीं चाहूँगा, बट चेक करते हैं। जिस तरह से केल का जो फ्लेवर है एक बड़ा फ्रेश था इस ब्रॉथ में आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा है। द क्लैम इज ओवर पावरिंग दैट, सॉल्ट काफी एक्स्ट्रा है। यूजली यू आर अ मास्टर ऑफ फ्लेवर्स, लेकिन आज आपकी ये डिश 50-50 है। आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैंने आज नॉट सो गुड लुकिंग प्लेट सामने रखी है, बट नमक तक ज्यादा है, सो आई थिंक आई एम वेरी वेरी क्लोज टू एलिमिनेशन। सिद्धार्थ अपनी डिश लेके आए प्लीज। ये ब्लैक फंगस थाई करी है, साथ में एक फ्लेवर्ड राइस है। करी के अंदर भी ब्लैक फंगस को प्योर करके यूज किया गया है, एक ऑमलेट बना के उसके एग रोल्स दिए हैं साथ में, एंड ऑफ कोर्स बेसिल ऑयल। आपकी डिश के बारे में अगर बात करें टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा तीखापन है। इस कंपटीशन के इस स्टेज पर जब आप ऐसी डिशेस के साथ कंपीट कर रहे हैं, अ सिंपल थाई ग्रीन करी, समाओ जो क्रिएटिविटी आपने पास्ट में दिखाई है वो इस डिश में उभर कर नहीं आई। तो जो ख्याल मेरे दिमाग में पहले था कि मैं बहुत कंफर्ट फूड बना रहा हूँ, शायद यही कंफर्ट फूड मुझे आज नहीं मिलेगा।
आशिमा अभी डिश लेकर आई। मैंने टोफू को दो तरीके से यूज किया है, मैंने उसे केक में भी यूज किया है एंड पैराकोटा बनाया है टोफू का, और मेरे पास बैम्बू शूट था उसको मैंने पिकल किया है जस्ट टू स्वीटनेस को हटाने के लिए, थोड़ा सा खट्टा मीठा फ्लेवर है बैम्बू शूट का। अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करूं तो अच्छी है, इट्स नॉट आउटस्टैंडिंग, आई थिंक आप इससे बेटर बना चुकी हैं, मगर सुंदर है और एक रेस्टोरेंट में शायद यूज करी जा सकती है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है टेस्ट। सेफ हो जाएंगे और तीन होम कुक्स जाएंगे एलिमिनेशन में। सबसे पहले बात करते हैं इस चैलेंज की वीकेस्ट डिश की, जिसका मैं नाम लूंगा वो एक कदम आगे आ जाएंगे। वो डिश है जतिन। एशियन फ्लेवर्स आपकी स्ट्रेंथ है, लेकिन आज आपकी स्ट्रेंथ आपकी डिश में हमें दिखी है। आप एलिमिनेशन राउंड में जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है इस बात का नहीं कि मैं एलिमिनेशन के अंदर जा रहा हूँ, बट जिस चीज़ में मैं अच्छा हूँ वही मुझे चीज़ एलिमिनेशन के अंदर देखे जा रही है। आशिमा एक कदम आगे लीजिए। मैं आपको एक बात बता दूँ, आज जो आपने डिश बनाई है वो सिर्फ इस चैलेंज की नहीं, आपकी सारे मास्टर शेफ जर्नी की सबसे बेहतरीन डिश थी। Fantastic use of the core ingredient. Fantastic flavors. Ashima, क्या हुआ? कुछ नहीं, I was really scared. बहुत डर लग रहा था। जब आप लोगों ने कोई comments नहीं दिए तो और भी मुझे हो गया कि maybe मैंने बहुत बड़ा कुछ blunder कर दिया है। तो वो सब इस बाबत का। बहुत इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए, इतने आगे आ गए हैं कॉम्पिटिशन में। फाइनली आज मुझे लगा है कि मैं प्रूव किया है अपने आप को, और मैंने जो कॉन्फिडेंस मैं ढूंढ रही थी वो मैंने अचीव किया है। सिद्धार्थ एक्स्ट्रा बार्डन आपको एलिमिनेशन चैलेंज लड़ने की आदत से हो चुकी है, आई एम सॉरी आप इस बार भी एलिमिनेशन में। ओह माय गॉड, नॉट अगेन। मैं एलिमिनेशन में दोबारा नहीं जाना चाहता। मतलब कितनी बार, ये छठी बार है कि मैं एलिमिनेशन में जा रहा हूं। इज इट अ जोक? दिनेश एक सवाल भेजिए, आपने अपनी डिश के बारे में हमारे कमेंट्स तो सुने ही होंगे। जी जाहिर सी बात है, वो कमेंट्स सुनने के बाद आप कॉन्फिडेंट हैं। हाँ। और आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ठीक है। बिकॉज़ द डिश वाज स्पेक्टेक्युलर। थैंक यू सो मच। अनघा और कीर्ति दोनों आ गए हैं। इतना तो पक्का है कि आप दोनों में से एक एलिमिनेशन चैलेंज में जाएगा। ऑनेस्टली दोनों ही डिशेस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थे। अनघा कीर्ति आप दोनों में से वो होम कुक जो जतिन और सिद्धार्थ के साथ यही आगे खड़ा रहकर एलिमिनेशन चैलेंज में जाएगा वो अनघा नहीं है, आप पीछे जा सकते हैं। मैंने इतना सेंस ऑफ रिलीफ अभी तक कभी फील नहीं किया है। आई एम टेकिंग दिस एज माई वेकअप कॉल कि जस्ट बिकॉज मैंने अभी तक अच्छा परफॉर्म किया है इसका मतलब ये नहीं कि मैं आराम से काम करूं। आई हैव टू ब्रिंग माई ए गेम टू द टेबल ईच टाइम। दिनेश आशिमा अनघा आप तीनों सेफ हैं। कीर्ति जतिन सिद्धार्थ आप तीनों हमारे बैंकॉक चैप्टर के एलिमिनेशन राउंड में जा रहे हैं। पिछले बार जब मैं एलिमिनेशन राउंड में थी वो इस किचन का फर्स्ट एलिमिनेशन था, और आज मैं जब टॉप 8 में हूँ तब एलिमिनेशन में आई हूँ। तो कम्पीटिंग अगेंस्ट जतिन एंड सिद्धार्थ जी ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो अगला चैलेंज है उसकी लोकेशन और डिफिकल्टी लेवल दोनों बहुत लेजेंडरी हैं। सो मैं ये नहीं कहूँगा 20 के
मैं सिर्फ इतना कहूंगा बी रियली रियली वेरी स्कैर्ड। होम कुक्स, तो हम आपको कल मिलेंगे। हैव अ गुड रेस्ट एंड गुड नाइट। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम थाईलैंड के बेस्ट थाई रेस्टोरेंट एंड कुकिंग स्कूल। ये शुरू हुआ था 2002 और तब से लेकर आज तक हर साल लगातार द बेस्ट रेस्टोरेंट इन थाईलैंड का अवार्ड जीता है। तो जा खड़े हैं वह सिर्फ थाईलैंड की रॉयल्टी नहीं, पूरी दुनिया भर की रॉयल्टी खाना खा चुकी है। It's a very prestigious, proud feeling to be standing here. और ये सोचना कि आज मैं यहाँ खाना बनाऊंगी ना कि खाना खाऊंगी, I think ये मेरे लिए एक milestone है। आज हमारे बैंकॉक चैप्टर का आखिरी चैलेंज है और डिसाइडिंग चैलेंज है, जहां पर आप ही तीनों में से कोई एक वापस अपने घर जाएगा। All the best to all three of you. May the best home cook win. Thank you. अब बारी है बैंकॉक के एलिमिनेशन चैलेंज की। इस बार का एलिमिनेशन चैलेंज लेकर आ रही है थाईलैंड की ही नहीं बल्कि कुकिंग की दुनिया की एक कुकिंग लेजेंड। पिछले 30 साल से अपनी कुकिंग के जरिए पूरी दुनिया में अपने फैंस बना रहे हैं। Please welcome the world's finest expert on royal Thai cuisine, founder, owner and chef, Chef Lurul. बड़े काम लिए एक अच्छा सा लाल सा चश्मा पहन के शेफ लुरूल एकदम टिक टॉक आ रही है। शी लुक्स लाइक अ पर्सनालिटी। उनकी अपीयरेंस से लगता है कि बहुत ज्यादा खाना बनाने का एक्सपीरियंस है। शी इज अ थॉरो प्रॉपर शेफ। इतने बड़े लेजेंड हैं, मैं आपको बता भी नहीं सकता। पिछले साल इनको न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस में इनवाइट किया गया था रिप्रेजेंट करने के लिए थाई क्यूजीन एंड थाई कल्चर। ये शेफ्स के लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है। और आई थिंक यू आर अ बिग फैन ऑफ इंडियन फूड। आई लव इंडियन फूड। इनको इंडियन फूड पसंद है और हम सबको थाई फूड पसंद है। अब बारी है चैलेंज की। शेफ नूरुल, आप बताना चाहती हैं कि आज हमारे होम कुक्स के लिए आप क्या चैलेंज लाएंगे? ओके, डिश आई तो उस डिश में कलर्स है और बहुत ब्यूटीफुली प्लेस्ड है। इट्स लाइक पेंटिंग ऑन योर प्लेट। ये शेफ नूरुल की सिग्नेचर डिश है। इसका नाम है शेफ नूरुल्स ब्लू ट्रेजर। फ्रॉम होम कुकिंग टू फाइन डाइनिंग। फ्रॉम होम कुकिंग टू फाइन डाइनिंग। वाह, ब्यूटीफुल कलर। This dish is very ancient cuisine. They say that during the time that our King Rama V, he loved these dishes. How to make these dishes is very quite complicated. You need a lot of herb. ये जो dish है, वो Thailand के King की favorite dish रह चुकी है। Literally goosebumps आ गए कि यार उसका level हमें match करना है। तो बहुत ज़्यादा tension है, बहुत ज़्यादा pressure है। जो आप देख रहे हैं, उस dish के अंदर 3 levels हैं। ये है फिश, उसके ऊपर है थाई सॉस और है नूडल्स, राइस नूडल्स। जो राइस नूडल्स हैं उसका जो रंग है, जो ब्राइट वायलेट कलर है,
वो एक फूल से आता है, उस फूल का नाम है बटरफ्लाई पीज फ्लावर। बटरफ्लाई पी एक्चुअली एक फूल है जो आयुर्वेदा के टाइम से 5000 साल पहले से यूज हो रहा है हिंदुस्तान में। इट इज सपोज टू बी लाइक अ फ्लावर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। उसके नीला रंग निकाल के ये चावल की और टपियोका के नूडल्स बनाए हैं। दूसरी है फिश की करी या उसकी सॉस, जो एक ट्रेडिशनल थाई रेसिपी है जो कूट के बनाई जाती है। और तीसरी चीज है वो फिश जिसे बॉईल करना होगा परफेक्टली एक फ्लेवरफुल ब्रॉथ में। और एक फाइनल सरप्राइज, ये डिश अभी कंप्लीट नहीं। सो शेफ, वुड यू लाइक टू गिव द फाइनल टच टू योर डिश? यस, आई वांट टू फ्लॉम्बे। Flambe? Okay. To make more luxury for to become fine dining. There you go, chef. To make this more exciting. तो अब चम्मच को गरम करा जा रहा है और उसके बाद उसके अंदर डाला जाएगा विस्की। Thai whiskey. एक थाई क्यूजीन में भी एक रस्टिक डिश को एक इतना हाई एंड टच दिया, वो भी फ्लांबे, बहुत अच्छा लगा। प्लीज ये तो थे द नूडल एंड द फिश। थोड़ा करी लिया, हल्का सा स्पूमा लगाया, खाया, वाह माय गॉड, आउट ऑफ द वर्ल्ड, एकदम जेन्युइन रियल थाई डिश। प्रीडोमिनेंट फ्लेवर जो सबसे पहले आ रहा है चिली के केक है, बट जितने करी में बाकी फ्लेवर्स हैं गुलाब जामुन लेमन ग्रास सब उभर उभर के आ रहे हैं, बहुत ही टेस्टी है। फिश बहुत ज़्यादा अच्छी तरह पोच्ड है, बहुत फिशी फ्लेवर है ये, क्योंकि जो पोचिंग की गई है बहुत अच्छे फ्लेवर्स में की गई है। इट्स अ ब्यूटीफुल डिश। थैंक यू, वेरी वेरी नाइस, आई होप यू बी सक्सेस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इस लेजेंडरी डिश को शेफ नरूल को परफेक्टली बनाने के लिए पूरे लगे 30 साल से भी ज़्यादा। आज आपको ये डिश तरह कम्पीट करना होगा सिर्फ 2 घंटे में। 30 years of experience versus 2 hours of cooking. I don't know कैसे हम लोग ये डिश बनाएंगे। It's not difficult to do. Do with your heart, with experience, and you can do it, I'm sure. Thank you, chef. 3, 2, 1, and go. All right, go, 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 go. मैंने आज ये मेक श्योर किया है कि मैं रेसिपी को बिल्कुल अच्छी तरह से फॉलो करूं। मैंने सबसे पहले नूडल्स के लिए जो कलर है उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो फ्लावर है उसे पानी में सोक करके उसका कलर इंक्लूज होने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद नूडल्स बनाने के लिए मैंने राइस फ्लावर और टैपियोका फ्लावर को मिक्स किया। मैं छठी बार प्रेशर टेस्ट में आया हूँ, छठी बार है मेरा। एज यूजुअल मैं काम हूँ एंड इट इज़ अ गुड टेस्ट, काफ़ी एक्साइटिंग चैलेंज है। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द चैलेंज अकॉर्डिंग टू मी डो लगाना है नूडल्स के लिए, क्योंकि बहुत टेक्निक इन्वॉल्व होती है, अगर ये ढंग से नहीं लगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने देखा कि मेरे जो फ्लावर्स का कलर है वो अच्छे से एक्सट्रैक्ट हो गया, मैंने उसको स्ट्रेन करके मेल्टिंग जार के अंदर डाला और उसको एक डो लगाने लगा। आटा गूंद रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह गूंद के मेरा तैयार हो चुका है। रेसिपी में लिखा है इसको मसलिन क्लॉथ में लपेट के स्टीम करिए 5 मिनट के लिए, उसको मैंने स्टीम करके रख दिया है। अब कायदे से तो करी बनाने का टाइम, लेकिन मेरे पास वक्त है। करी बनाने से पहले मैं सोच रहा हूँ फिश को पोच करके मैं उसी कोकोनट मिल्क में जिसमें उसको पोच करूँगा आई विल कीप इट, तो बहुत सारे फ्लेवर उस पर अच्छी तरह से इंक्लूड हो जाएंगे। और कहाँ पहुँचे आप अभी? मेरा दो मिनट पे हैंग कर दिया है, अभी इसको निकालना है। दे दो। यस, You can start to massage. Yes. इसको अगर आप अभी मसाज करेंगे तो प्रॉपर जो एक टेक्सचर है निकल के आएगा, सॉफ्ट सा होना चाहिए, अदरवाइज नूडल का प्रॉपर टेक्सचर नहीं बनेगा। आपको मेक श्योर करना है कि हूबहू रेप्लिका ऑफ मैम्स ग्रेट डिश। आई विल ट्राई बेस्ट। सक्सेस। आर यू हैप्पी विद द कलर? वेरी ब्यूटीफुल। कीर्ति, कैसा चल रहा है?
chef. जो कलर आप लेकर आ रही हैं इन ब्यूटीफुल फ्लावर्स से, कभी आपने ऐसा कुछ करा है? शेफ, नेचुरल कलर्स हम यूज करते हैं, हल्दी का जानते हैं, साफी का जानते हैं, बट यूजिंग दिस फ्लावर टू गेट सच अ ब्यूटीफुल ब्लू कलर, इट्स फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस। एंड बेस्ट थिंग, फुली ऑर्गेनिक। ओके, थाई क्विजीन मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, एंड एक ऐसी शेफ की डिश को रेप्लिकेट करना जो कि पिछले 30 साल से यही काम कर रही है, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टुडे। एक नजर घड़ी की ओर, आधा घंटा बीत चुका है, सिर्फ 1 घंटा बाकी। गिव इट योर बेस्ट शॉट गाइस। जब मेरे पास वो पेस्ट रेडी है, मैंने अपनी पानी को बॉईल करने रख दिया है, और फिर उसके बाद उस नूडल मशीन में इस पेस्ट को डाल के मैं अपनी नूडल्स बनाने लगी। नूडल्स हैव कम आउट वेरी वेल। मैंने इसे ड्रेन किया और फिर इसे संग ठंडे पानी से रिंस किया ताकि एक दूसरे के साथ चिपके ना, एंड थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, बट एटलीस्ट मेरी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट डिश की रेडी है। Chef, in your dish, what is the most difficult part? I think to make nice curry, that's the most important. The flavor, the taste, the balance are the most important. Even the noodle is nice, but if the taste of the curry are not nice, will not nice. मेरे ख्याल से इस डिश को वही होम कुक जीत पाएगा जिसकी डिश में परफेक्ट बैलेंस होगा। जैसे ही नूडल मेकर को मैंने प्रेस करके नूडल्स निकाले, नूडल्स काफी ज्यादा लंबे हैं, स्ट्रैंड्स बिल्कुल लंबे लंबे निकल रहे हैं, परफेक्ट शेप के अंदर है, वो पानी के अंदर चले भी गए। बट एक आधे मिनट के बाद जब मैंने थोड़ा हिलाने की उसको कोशिश की फोक के साथ, सब कुछ चिपक रहा है, एकदम इकट्ठा हो गया, ऑनेस्टली एकदम हलवा बन गया उसका, टूट रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ यार, जो सबसे डिफिकल्ट एलिमेंट था वो मुझे खराब होता नजर आ रहा है मेरी आंखों के सामने, और मुझे बहुत ज्यादा डर लगना शुरू हुआ। होम कुक्स, 1 घंटा पूरा हो चुका है, सिर्फ 1 घंटा बाकी। Come on guys, make us proud! मैंने सोचा कि नूडल्स में बाद में बना लूंगा, एटलीस्ट पहले बाकी कॉम्पोनेंट्स तो रेडी करो। सबसे पहले मैंने अपना करी पेस्ट को पाउंड करने का काम शुरू किया, काफ़ी ज़्यादा उसमें मेहनत लगी। अगर हम एक मिक्सी के अंदर इस सारे मिक्सचर को करें तो शायद 1 से 2 मिनट लगे, बट हम ऑथेंटिक हाई क्यूजिंग बना रहे हैं तो हाथ से ही करना पड़ेगा। एटलीस्ट मेरी करी टेस्ट अब रेडी है, और थोड़ा सा मैं रिलीव्ड हूँ कि एक मेन एलिमेंट तो रेडी हो गया। चलिए क्विक अपडेट ये है कि नूडल्स सारे खराब हो गए, नूडल्स खराब हो गए, सब स्पिल हो गया, तो मैंने उनको डिस्कार्ड किया, अभी नया लॉट लगाऊंगा। His noodle not coming out, so he throw. जैसे ही मैंने शेफ कुनाल को बताया कि मैंने नूडल्स फेंक दिए और स्क्रैच से बनाने हैं फिर से, मैं वो सेम टेंशन उनकी शक्ल पे भी देख सकता हूँ। Actually, meanwhile, they're doing debate though he can make curry already, so it's go faster. मैंने वही कर रहा है, बस ये पानी में उबलना रख रहा हूँ, फ्लावर्स का कलर निकलेगा, तो मैं साथ साथ में करी भी रख लूँगा क्योंकि करी अब मेरी रेडी है। डो लग जाएगा, अगर नूडल्स ढंग से निकल गए तो डिश टाइम पे हो जाएगी, अगर ये लॉट नूडल्स का नहीं निकला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। जतिन, 45 मिनट है आपके पास, गुड लक, आप सबसे पीछे चल रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि आज आप घर जाए, ऑल द बेस्ट। एक बैच तो ये बना है, नॉट वेरी हैप्पी। क्यों, क्या हुआ? ये इसका डो बहुत थिक हो गया था, सो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस। शेफ, यू थिंक द नूडल्स आर गुड? दे आर गुड, बट व्हेन ईट द टेक्सचर इज ओके, बट दे आर ओनली टू शार्प। तो इनके हिसाब से नूडल्स लगभग ठीक ही हैं, इनको 2-3 बार अगर आप धोएंगे तो इनकी अच्छी एक टेक्सचर आ जाएगी, एक अच्छी शेप आ जाएगी। दूसरा बैच भी बनाना, बना लीजिए जस्ट फॉर सेफ्टी, क्योंकि 1 घंटा है आपके पास। करेक्ट। करी तैयार होगी? नहीं, बस वो लगा हुआ है। करी तैयार नहीं, बिल्कुल मैं नूडल्स में अटक गया बहुत ज्यादा,
I have to hush up and rush up and karunga. करी बनाने में बहुत टाइम लगेगा, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट मोर टाइम ऑन नूडल्स. कुछ नहीं होगा, इसी को एज लास्ट रिजॉर्ट पेश करूंगा, बट टाइम होगा तो आई विल मेक मोर नूडल्स. आई थिंक आई हैव टू गो फॉर द करी. मुझे लगता है कि मैं एक बहुत अच्छी पोजीशन में हूँ क्योंकि दो मेजर एलिमेंट्स डिश के खत्म हो चुके हैं. अब मेरी जो करी पेस्ट है उसका कलर भी अच्छा लग रहा है और एक अच्छी कंसिस्टेंसी का करी पेस्ट बन चुका है. करी बनाने के लिए मैंने कोकोनट मिल्क को बॉईल किया और उसके अंदर मैंने अपनी करी पेस्ट डाली और उसे अच्छी तरीके से पकाया. जब मैंने अपनी करी को स्ट्रेन किया तो मैं देख पा रही हूँ कि मेरी करी बहुत पतली है, पर मैंने डिसाइड किया कि शायद अगर मैं इस करी को बाहर ठंडा होने छोड़ दूँ तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाएगी और डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी पर पहुँच जाएगी. जतिन, कीर्ति, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं आपके पास. दिखा दीजिए कि हिंदुस्तानियों को थाई क्यूजीन से कितना प्यार है. मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रही है, मैं एक फिर लौटने वाले की कोशिश करूंगा. मेरी फिश भी रेडी नहीं है तो मुझे लग रहा है प्रॉब्लम हो सकती है मेरे लिए. आई डोंट नो क्या हो रहा है, मेरा दिन खराब है, मैं प्रेशर के अंदर हूँ. क्यों मेरे साथ इतना आज बुरा हो रहा है? Okay, you have to look at the recipe. Is it wrong? You need to put the cold water now. I did put cold water. No, take out. Jatin, क्या हो गया? What's wrong with you? Jatin, clearly आप समझ नहीं पा रहे हो क्या कह रही हैं. कह रही हैं कि एक बार boil किया, quick boil के बाद उसे आपको ठंडे पानी में फटाफट डालना है. Otherwise ये सारे जुड़कर एक lump बन जाएगा. Jatin. Thankfully, thank God, जो फोर्थ लॉट था एटलीस्ट सर्व करने लायक था. कलर मुझे पता है वो वैसा नहीं है, ब्लू वाइब्रेंट बहुत डल ब्लू है, बट एटलीस्ट नूडल्स बने और मैं उसको अपनी प्लेट पे तो रख सकता हूँ. जब मैं अपनी प्लेटिंग स्टार्ट करने लगी तो मैंने अपनी प्लेट को लीव्स और फ्लावर्स से सजाया. जब मैं अपने करी को अपनी प्लेट पे डाल रही हूँ, आई कैन क्लियरली सी कि वो बहुत पतली है और अभी भी उतनी ही वॉटरी है जितनी की पहले थी. शायद मेरी ये करी की कंसिस्टेंसी मुझे आज घर भेज सकती है क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट्स बैंग ऑन है सिवाय इस करी की कंसिस्टेंसी के. एक एडवाइस है, डिश प्लेट करनी साइड बाय साइड शुरू कर दो और टुवर्ड्स द एंड ये एलिमेंट डाल दो. सिंपल सी बात है, अगर आपका खाना समय से प्लेट पर नहीं आएगा तो आप ये चैलेंज हार गए. यू आर स्टिल इन द गेम, ट्रस्ट मी. ठीक है, थ्रो एवरीथिंग, वर्क लाइक अ ट्रेन, वर्क लाइक अ मैनियक. और आखिरी 3 मिनट में जो मैंने प्लेट किया, ऑनेस्टली इज बिकॉज ऑफ शेफ कुणाल, अदरवाइज मैं नहीं कर पाता, बहुत मॉरली डाउन हो गया था. याद रहे, आज हमें एक कंप्लीट डिश चाहिए. डिश का हर एलिमेंट बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा शेफ ने दिखाया था. आखिरी 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. That's it. शेफ नूरुल अपनी ही डिश टेस्ट करने वाली है जो मैंने बनाई है. सो समय बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है क्योंकि मैं अपने आप को और जजेस को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती. सबसे पहले जो रंग है आपका टैपियोका और चावल के आटे के जो नूडल्स बनाए हैं उन्होंने, दिस कलर इज वेरी क्लोज टू योर कलर. एक्जेक्टली, एक्जेक्टली.
close to beautiful my color. Beautiful extraction. Yes. Perfect. For me, yeah, very authentic, very nice hair. There's a spiciness, creamy, gluten and nice texture, fit also. When done, this is really nice for me. The fish is cooked very, very beautiful. करी बहुत पसंद है। किसी भी मीट की जान होती है उसकी सॉस, और थाई क्यूजीन के अंदर जब तक वो सॉस मीट के ऊपर अच्छी तरीके से लिपटी ना हो, एक होलसम फ्लेवर नहीं आता। दैट्स इट। बाकी की डिश कैसी है? आई डोंट नो कि फ्लेवर्स क्या टेक्सचर से अपन हैंड ली आज। आई नो मेरी डिश नहीं अच्छी, जो शेफ नूरूर की डिश है, इट्स अ लेजेंडरी डिश, और मेरी डिश इज एन इंसल्ट टू हर डिश, एंड आई डोंट वांट दैट। The fish is okay, the noodles are alright, but only the flavor of the sauce, I mean not strong enough. अगर सिर्फ सॉस की बात की जाए तो I would say it is a beautiful sauce. अगर मैं शेफ की जो सॉस बनाई हुई थी उसके साथ कंपेयर ना करूं, बट आज का चैलेंज ये था कि आपको शेफ नूरूर जैसी सॉस बनानी थी, बट फिश ब्यूटिफुल सटल फ्लेवर्स, कुकिंग इज गुड। पर सिर्फ एक ही चीज मैं आपसे कहूँगा कि आज जो डिश की सूरत है वो थोड़ी पीछे। इस टाइम पे मुझे लगना शुरू हुआ कि एक गलती दो गलती चलो कवर अप हो सकती है, बट इतनी ज्यादा गलतियां अब कुछ नहीं हो सकता। सिद्धार्थ अपनी डिश लेकर आइए। मेरे हाथ आज काम है, मैं छठी बार एलिमिनेशन की डिश लेके जब इसके सामने जा रहा हूं। ओके I think look is beautiful, the color of the noodle is right color, blue taste of, and you have nice sauce, thick and nice color, then you have some it's super creamy. I think your presentation is very nice, simple and nice. Thank you, Chef. Chef कह रही थी कि जो डिश आपने बनाई है उसके अंदर परफेक्ट कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन कलर्स की, कॉम्पोजिशन पोर्शन साइज की, और जिस तरीके से आपने प्लेट किया है बहुत खूबसूरत डिश है। थैंक यू शेफ। विजुअली बहुत अपीलिंग है, फिश इज वेरी फ्लेकी, ये एक अच्छा साइन है। लेट्स सी इसका टेस्ट क्या कहता है। यस शेफ, एक नजर से डिश की प्रेजेंटेशन इट्स परफेक्टली गुड, अगर इसके टेस्ट में कहीं भी 19-20 हुआ मैं फिर भी खा जा सकता हूँ। Yes, very authentic, creamy, spicy. For me, I would say your face, your Thai chef. इससे बड़ी compliment आपको मिल नहीं सकती थी। Very nice. It's similar to my face. Thank you so much, chef. Chef. सिद्धार्थ कीर्ति जतिन, अब बारी है आज के चैलेंज के रिजल्ट। आज ये डिसीजन बहुत मुश्किल थी, ऑनेस्टली एक डिश बाकी दो डिशेस से ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में बेटर थी। सिद्धार्थ आप कीर्ति का हाथ छोड़ सकते हैं, बिकॉज आज आपकी डिश दोनों से बहुत बेहतर थी। आई एम सीरियसली रिलीव्ड कि आज छठी बार इस एलिमिनेशन राउंड में आके मैंने फिर अपने आप को एक बार प्रूव किया है। एटलीस्ट आज मैं अपने आप को तो एक चीज प्रॉमिस करूं, नेक्स्ट टाइम मैं एलिमिनेशन में नहीं आने की कोशिश करूंगा। आज ये पहली बार हो रहा है कि हम तीनों जजेस एक दूसरे से सहमत नहीं है, हम तीनों के अलग अलग डिसीजन हैं।
लेकिन एक होप कुक को आज घर जाना ही होगा। कीर्ति, मुझे लगता है कि आज आपकी डिश सबसे वीक थी। आपने जो डिश बनाई उसकी सॉस बहुत पतली थी। मेरे हिसाब से आज आप सेफ नहीं। मैं बस ये होप कर रही हूँ कि बाकी दोनों जजेस मेरी डिश पसंद करें। मेरे ख्याल से कीर्ति आपकी डिश सबसे वीक नहीं किया। मैं मानता हूँ शेफ की बात बिल्कुल ठीक है, बट डिश टोटालिटी में बहुत खूबसूरत। शेफ नूर ने भी एक ही बात बोली कि उनको सबसे वीक डिश आज की लगी जतिन की। मैं भी उनके साथ सहमत हूँ कि आज की डिश जतिन आपकी बेस्ट डिश नहीं थी। नूडल्स ओवरकुक्ड थे, नर्वसनेस में बने हुए थे, डिश में वो कॉन्फिडेंस नहीं था जतिन जो हमेशा होता है आपकी डिश में। सर रावत, आपकी बारी। कीर्ति, जतिन, आप दोनों की डिशेस आज कमजोर थी, लेकिन सबसे जरूरी चीज होती है टेस्ट, एंड अनफॉर्चुनेटली जतिन कीर्ति की डिश का टेस्ट बहुत बेहतर था। और मैं भी शेफ नूरूर और शेफ विकास से सहमत हूँ, योर्स वाज द वीकेस्ट डिश, मेरा टाई ब्रेकर था। अनफॉर्चुनेटली आज आपको बैंकॉक छोड़ के सीधा घर जाना पड़ा। आपने आज तक बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, ऑनेस्टली वी विल ऑल मिस यू। आप कुछ कहना चाहते थे? अच्छा लगा इतनी देर मास्टर शेफ में रहा, दोस्त बनाए काफी ज्यादा। अपने बैटल ग्राउंड में हारना उस चीज का बुरा लग रहा है, जाना तो था ही, चाहे एंड में जाता चाहे बीच में या कभी। अदरवाइज आई एम हैप्पी इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला। जैसे आज आपने नूडल्स को ट्राई किया चार बार, लाइफ में भी बहुत कुछ ऐसा होता है, बहुत बहुत मेहनत के बाद चीज मिलती है, पर सिर्फ उन्हें मिलती है जो गिव अप नहीं करते। यूर वन ऑफ देम। Probably जो मैं कर रहा था अपना बिजनेस चलता रहेगा, बट एक चीज अब सर्टेन है कि मैं अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाऊं। जतिन, यू गेट इट। एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूं और इनफैक्ट लुधियाना के अंदर ही पहला खोलूंगा। अपने होम रूट्स को नहीं मैं बोल सकता, एटलीस्ट अब मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में भी बोल सकते हैं कि हाँ हमारा बेटा मास्टर शेफ में है, और उसी बात की मुझे सबसे बड़ी खुशी है। बैंकॉक में बिताए हुए इस हफ्ते ने हमें काफ़ी यादें दी हैं और कमाल की डिशेस थी, और इस हफ्ते की जो बेस्ट डिश थी उसे मिलने वाला है एक बहुत ही बड़ा इनाम की तरफ से, 1,00,000 रुपए का चेक। उस डिश को मिलेगा जो इस हफ्ते की बेस्ट डिश थी। इस हफ्ते की बेस्ट डिश थी आशिमा की टोफू पैनल बटर। बैंकॉक का यह हफ्ता यहीं पर खत्म होता है। अब आपसे मुलाकात होगी मास्टर शेफ किचन में, इन आवर प्रेजेंस मास्टर शेफ इंडिया। टेक केयर, गुड लक। आप कुछ ऐसा बनाए हो देसी मीठा, लेकिन उसका अवतार हो इंटरनेशनल। होम कुक्स इसी वक्त अपनी काउंटर पोजीशंस चेंज कर रहे हैं।